अलमैकम रिसर्च मैथड्स का आज हम बारहवा लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज के लेक्चर का टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस से मुराद ये है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो एक लिहाज ये कह लें कि भाई हम सीकवेंशली कौन कौन सी स्टेजेस हैं या कौन कौन से मरल हैं जिसके थ्रू uh, हम गुजरते हैं और हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से अगर हम uh, एक डेफिनेशन def की बात करें तो रिसर्च प्रोसेस मींस द सीक्वेंशियल स्टेप्स विच आर रिसर्चर फॉलोज फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च ऑल द वे टू राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट एंड इट्स प्रजेंटेशन तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसे है कि इसका एक तरतीब है और उस तरतीब से शायद हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम उस तरतीब को फॉलो करें अगरचे कहने की बात तो है कि इसकोशल तो प्रोसेस लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको उसी सीक्वेंस से ही फॉलो करें बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि डिपेंड करता है कि रिसर्च किस किस्म की हो रही है उस रिसर्च में हम कुछ स्टेप्स को मिट भी कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को हम साइमल्टियसली भी कवर कर सकते हैं कुछ ऐसे भी है कि सीक्वेंस ये नहीं मुराद कि हम एक स्टेज को ख़त्म करेंगे तो फिर दूसरे पे पहुंचेंगे बल्कि वी कैन जम्प बैक एंड फोर्थ कि हमने एक स्टेट पर काम शुरू किया उसके साथ ही हमने दूसरा भी काम शुरू किया फिर हमें कोई और इंफॉर्मेशन मिली तो वही में गो बैक टू दी फर्स्ट स्टेप तो इस तरह से रिसर्च प्रोसेस में भी कंसिडर्ड एज ए सिक्वेंशल प्रोसेस बट इन मैनी रिसर्चर्स माइट टेक समेपल्टेनियसली और दे मे उमिट सम ऑफ और दे माइट जंप बैक एंड फोर्थ तो ये तो एक्चुअल जो काम करते हैं जब रिसर्चर उस वक़्त इस किस्म की बातें नजर आती हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये कहेंगे कि हमें इनको एक सीक्वेंस के साथ हमें समझ लेना चाहिए तो जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फिर यही देखेंगे कि हमारा शुरू के स्टेप्स कौन है और उनको हम जब कवर करेंगे तो वन बाय वन एक सीक्वेंस के साथ कवर करेंगे आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्कशन जो है सीक्वेंशल डिस्कशन ऑफ द स्टेप्स जो है आप इसको एक एकेडमिक एक्सरसाइज के तौर पर ले रहे हैं या एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर हम ले रहे हैं अलबत्ता ये भी मैं कहने के लिए यहाँ आई थिंक आई शुड नॉट हैसीटेट कि एज ए स्टूडेंट जब आप अपना लर्से से एमए का थीसिस लिख रहे हैं तो आम तौर पर आपकी रिसर्च के या थीस के जो चैप्टर्स हैं वो बाय एंड लार्ज इन्हीं स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं तो इस तरह से फॉर एकेडमिक पर्पसेस जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक तरतीब के साथ इनको डिस्कस करेंगे उस तरतीब के हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप है फॉर डूइंग रिसर्च इज ऑब्वियसली टू सिलेक्ट टॉपिक ऑफ़ स्टडी। सेलेक्ट दैट टॉपिक ऑफ स्टडी कुड कुटेन टू अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक रिसर्चर का आ, कोई भी हो सकता है आ, मैंने इस सिलसिले में पहले भी एक बात की थी वो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन का एरिया हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आ, हो सकता है और फाइनेंस का एरिया हो सकता है मार्केटिंग का एरिया हो सकता है फैमिली का एरिया हो सकता है पोलिटिकल बिहेवियर का एरिया हो सकता है तो ये ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुरू में हम इनको देखते हैं उसके बाद वहां से हम फिर मूव करते हैं टू स्पेसिफिक मिसाल के तौर पर हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रॉड एरिया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है मे बी इट्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इट कुड भी प पंजाब यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फॉर दैट मैटर एनी अदर यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑल दिस यूनिवर्सिटीज आर ऑर्गेनाइजेशंस वे पीपल आर वर्किंग एंड पीपल आर बिहेविंग एंड वी कम अक्रॉस वराइटी ऑफ इश्यूज विच द रिसर्चर माइट बी इंटरेस्टेड इन तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्राम ब्रॉड एरिया से हम स्पेसिफिक इशूज़ पे कोशिश करेंगे कि फोकस करें क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बहुत सारी आस्पेक्ट हो सकती है तो उस इश्यूज में मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है दे माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ इशू ऑफ लट से हरासमेंट के लोग वर्कर्स हैं मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं एंड मे बी सम काइंड ऑफ कंप्लेट्स आर कमिंग टू द मैनेजमेंट Uh, with respect to sexual kind of harassment okay that might be an issue uh, which the researcher uh, is uh, trying to look into or issue ho sakta hai ki management may he identify or they are trying to hire a consultant who is going to help them in looking after this particular issue yeah issue ho sakta hai. Iske ilabha, ऐसे भी एरियाज हो सकते हैं जो कि मैनेजर समझता है कि उनमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कुड़ एरियाज वेयर सम पॉलिसी चेंजेस आर नीडेड तो उस हिसाब से एक पॉलिसी इंप्रूवमेंट का एरिया भी हो सकता है ऐसे ही उस ब्रॉड एरिया से नीचे चलते चलते हम किसी कंसेप्चुअल ईशू की बात भी कर सकते हैं इस कंसेप्चुअल इशू में आप कह लें कि मे बी डेट मोला के थोरेटिकल डिस्कशन ऑफ दी होल थिंग और उस थ्योरेटिकल डिस्कशन में आप कह सकते हैं कि ईशू तो सेक्शुअल हरासमेंट का है लेकिन अगर इसको हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे देख रहे हैं तो व्हाट डज दिस सेक्शुअल हरासमेंट मीन तो उसको हम देखेंगे कि इसके ऊपर इससे पहले क्या काम हुआ है थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है और फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशनली जैसे कि हमने पहले डिस्कशन की है ऑपरेशनली इसको हम कैसे लुकाफट कर सकते हैं या इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं तो इस तरह से जो रिसर्चर है ही मे बी ट्राइंग टू टेस्ट सम ऑफ द इन ऑर्गेनाइजेशन मे बी ट्राइंग टू मेजर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड ही इज ट्राइंग टू आंसर सम ऑफ द कोशन विच माइट बी रेज बाई द मैनेजमेंट और वो क्वेश्चन जो हैं वो जो ईशोज़ हैं वो ईशोज़ खुड बी द डेमाज ऑफ दर्गनाइजेशन और वो मैनेजमेंट डिलमाज को फिर हम रिसर्च की शक्ल में आ, लाने के लिए हमें काम करना होगा तो इस तरह से हम जब शुरू करते हैं फ्रॉम ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो हम मूव करते हैं टू प्रलीमरी डेटा कलेक्शन तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है या सेकेंड स्टेज है इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज द प्रलिमिनरी डेटा कलेक्शन प्रलीमिनरी डेटा कलेक्शन से मुराद है कि वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिफ्रेंट एरिया फ्राम वेयर वी कूड गेट नॉलेज वी कुट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू पर्टिकुलर टॉपिक आपको याद होगा कि मैंने एक लिहाज से रिसर्च को तीन हिस्सों में आपके सामने पेश किया था उनमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी डिस्क्रिप्टिव थी एंड एक्सप्लानिटरी uh, थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम यही देखते हैं कि वी ट्राई टू सी द फिजिलिटी ऑफ दिस स्टडी वी ट्राई टू लुक इन टू दिकेंडरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी काइंड ऑफ डेटा उसमें हम ये भी करते हैं कि देखते हैं कि इससे पहले इस पर कितना काम हुआ है किसी ने इसके ऊपर कोई किताब लिखी है किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च की है किसी ने इसके ऊपर कोई पेपर आ, लिखा है दूसरे लफ्ज़ों में एक हमने टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया था जिसको हम कहते थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो दूसरा हमारा स्टेप जो है इन द रिसर्च प्रोसेस वो है टू सर्च फॉर पब्लिश्ड डेटा एंड द स्टडीज पब्लिश्ड डेटा में बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं गवर्नमेंट uh, की रिपोर्ट्स हो सकती हैं और इसी तरह uh, जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमने देखा कि बहुत सारे पेपर्स छपे हो सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड डेट वी हैव टू लुक इन तो दूसरा जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के हवाले से जो हमने प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विच इज़ रेलेवेंट टू द टॉपिक इज नंबर वन फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर नंबर टू वी मे हैव टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ विद अदर नॉलेजेबल पीपल हु मे हैव सम्पेसलाइजेशन इन सच इशूज Uh, some of them might be sporting desk, that kind of issues. Some others might be uh, having a different kind of views. So we try to talk with the with the professionals, for example, uh, professional researchers. It could be the research guides for particularly for the students who are doing work at their uh, graduate level or postgraduate level. So, we talk with those who are knowledgeable people, who are the researchers, professors, uh, and then also we try to seek out informants, people who may have uh, the information. For example, those people who are being affected by this particular issue. These might be the women who are experiencing, uh, in our example, of sexual harassment and we might be looking into that, or we might be talking with some of the management who may have gotten some kind of complaints about that that kind of situation. and then, fourthly, perhaps we could also have a small focus group discussion. focus group discussion, abhi baat karenge, that's more like looking into uh the area the the issues uh, and uh, ask a couple of ask about 6 to 8 people uh, to come and uh, look into uh, this particular uh, problem uh, a sensitive sensitive uh, issue they might give their views about it and when they are trying to give uh, their views or discuss that particular issue that could help the researcher in the identification of uh, of the variables because uh, at the moment uh, the researcher is trying to look into that uh, broad area and trying to talk with the people and trying to look into what has already been uh, published in that, uh, on that on that particular topic so hamara dusra jo basic hai was secondary kism ki information collect Uh, किताबों से मिलती है जर्नल से मिलती है इंटरनेट से मिलती है अपना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है फिर वो लोग जिनका ये इशू है उनसे बात हो सकती है उनको आप इन्फॉर्मेंट uh, समझ कर उनसे आप बात कर सकते हैं uh, फिर uh, इन लोगों को ही चंद लोगों को uh, मैंने जैसे कहा सिक्स टू एट और टेन पीपल इनको इकट्ठा करके हम uh, मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स ऑफ दैट इशू को हम डिस्कस कर, कर सकते हैं एंड दैट कुड हेल्प इन द्लैरिफिकेशन ऑफ सम एरियाज और फजी काइंड ऑफ एरियाज दैट कोड गाइड द पर्सन टू मूव इन सर्टन डायरेक्शन और इसी में ही जैसे मैंने कहा कुड ऑल्सो भी दर रिसर्चर्स जो कि इसमें काम करते हैं या इंटरेस्टेड हैं वो रिसर्चर्स हमारे टीचर्स हो सकते हैं वो हमारे गाइड्स हो सकते हैं वो कोई और प्रोफेशनल्स हो सकते हैं तो इस तरह से हम सेकेंड uh, जो हमारा स्टेप है वो है क्लेक्टिंग इंफॉर्मेसन सेकेंडरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्राइंग टू सी कि हम कैसे इसको आगे चला सकते हैं तो यहाँ से हम मूव करते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि हम जब हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया ब्रॉड एरिया को हमने देखा और उसके साथ ही हमने कोई सेकेंडरी या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया एक्सप्लोर किया देन फ्रॉम देयर ऑन हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन कि पहले हमारे पास मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आगे चल रहा हूँ कि मैनेजमेंट में हैव आइडेंटिफाइड सम पर्टिकुलर ईशू तो वो मैनेजमेंट का जो ईशू है उसको हम मैनेजमेंट की रिसर्च के हवाले से हम मूव कर रहे हैं इशू कह लें या उसको डिलेमा कह लें वो जो मैनेजमेंट का डिलेमा है उसको हम फिर मैनेजमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं कि उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे ला रहे हैं जिसको फिर फर्दर हम रिसर्च की शक्ल देंगे इन सम सिचुएशंस डैट डिलेमा माइट बी सिंपली सिम्प्ट ऑफ समथिंग विच इज हिडन डाउन जो कि अभी हमें हमें पता नहीं चल रहा ये सिम्टम्स जो हैं वो तो एक मे बी टिप ऑफ द आइसबर्ग हम समझते हैं फर्दर डाउन डीप करें तो फिर हमें पता चलता है कि ये असल में प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो नज़र आता है कि से कि प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की uh, नीचे गई है और मे बी द मैनेजमेंट इट्स सेल्फ एज टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन लट्स से बाई द प्रोविजन ऑफ सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स तो वो इंसेंटिव देने के बावजूद आ, लोगों की प्रोडक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ा सो सिम्पली प्रोडक्टिविटी हैज़ गन डाउन डेट माइट पे सिम्टम ऑफ सम हिडन आइसबर्ग जिसका हमें पता नहीं है तो so, हो सकता है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी कोई मोटिवेशन की बात है या कोई और इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं इसी तरह का और भी हो सकता है लर्स अगर प्रोडक्टिविटी नहीं गई तो एक नया इशू वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में आया जहां के लर से फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं और वो फीमेल वर्कर्स माइट बी आस्किंग द मैनेजमेंट ओके वी आर वी वी लुक फॉर फिलिटी लाइक अ डे केयर सेंटर एट दर्गेनाइजेशन अब

Daycare center facility or should they not go for that? Obviously, the organization is going to look into the cost and benefit of, of the whole thing. Now, will the provision of daycare centers uh, help the uh, increase in the productivity of the workers and ultimately that of the organization or not? Now, that's the kind of uh, वर्क विच मे बी असाइन टू अ कंसल्टेंट और वो कंसल्टेंट जो है वो फिर उसको आगे रिसर्च uh, करके अपनी रेकमेंडेशन दे सकता है सो so, तीसरा हमारा जो स्टेप है कि हम ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हम स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एरिया पर आ रहे हैं वो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोरेटिकल भी हो सकता है वो जैसे कि मैंने इससे पहले बात की थी कि रिसर्च को हम उसके यूजेस के हवाले से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च वो बेसिक रिसर्च का एरिया है या अप्लाइड रिसर्च का एरिया है अब अप्लाइड रिसर्च जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई काम करवाना चाहेगी तो इन मोस्ट ऑफ केसेस दैट्स इन द एरिया ऑफ अप्लाइड रिसर्च बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेंडिंग इट्स मनी ऑन दिस पर्टिकुलर रिसर्च विद दैट देर बेनिफिट विल बी ग्रेटर दैन दस्ट विच द रिसर्च इज गंग ऑर्गे तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ब्रॉड एरिया से हम तीसरे स्टेप पर आए कि हमने उसको नैरोडाउन किया या नैरोडाउन करना है और नैरोडाउन करने के साथ ही फिर हम उसको फर्दर आगे चलाएंगे चौथी बात यह है कि हम इसका एक थ्यूरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे हमारा चौथा स्टेप जो है वो थ्रेटिकल फ्रेमवर्क है एंड आई होप यू रिमेंबर के थिरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है थ्रेटिकल फ्रेमवर्क इज मोर लाइक ए कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ऑफ द स्टडी और ये बेस कर रहा है किससे कि हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमारे लोगों के साथ कंसल्टेशन से है और जब हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया लोगों के साथ कंसल्टेशन की इनफॉर्मेंट्स के साथ हमने बातचीत की और शायद हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी किए तो उस सारे एक्सरसाइज का जो बेसिक आइडिया है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स आपको याद होगा जब हम थेटिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे तो उसमें ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स था दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप और नॉट ओनली वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, बट वी आल्सो ट्राई टू डेवलप रिलेशनशिप्स बिटवीन दिस वेरिएबल्स। और ये रिलेशनशिप्स जैसे कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक विच रिसर्चर इज गोइंग टू डिवेलप ये लॉजिक उसको मिलता है इसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से सो ही इज़ गोइंग टू मेक लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और ज़ाहर है कि जब रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बना तो ऑब्वियसली इट हैज टर्न्ड दीज वेरिएबल्स इनटू सम काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस और आपको याद होगा कि जब इन प्रोपोजिशंस को हम सिक्वेंशली रिलेट करते हैं तो वो हमारा हेल्प करता है इन फॉर्मूलेशन ऑफ हमारा थियेटिकल जो फ्रेमवर्क है सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोपोजिशंस वी ट्राई टू डिलीनिएट दी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और उसके बाद फिर हम चलते हैं और uh, आप uh, हम वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ थ्यूरेटिकल फ्रेमवर्क में जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे एज पार्ट ऑफ दम्पोनेंट ऑफ थेटिकल फ्रेमवर्क अब वंस वी हैव द थेटिकल फ्रेमवर्क देन वी मूव ऑन टू द जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्योंकि हम एक्जियोमैटिकली या बाय यूजिंग लॉजिक वी ट्राई टू डिराइव अवर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अ थियोरी विच वी हैव

तो वही हमें हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर इशू तो इस लिहाज से अगर रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया और उस रिसर्च क्वेश्चन के हम आंसर्स uh, भी ढूंढ रहे हैं तो दूसरे लफ्जों में वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्हीं फैक्टर्स को ही हम वेरिएबल कहते हैं तो अगर इन्हीं वेरिएबल को हम रिलेट करते हैं तो एक तरह से हम हाइपाथिस बनाते हैं तो हमारा जो पाँचवा स्टेप है वो है डिराइव द हाइपोथिस फ्रॉम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड ऑब्वियसली थ्यूरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसमें हमने लॉजिक डेवलप किया है और वही लॉजिक जो है बेस बेसिस बनेगा हमारे हाइपोथेसिस को बनाने के लिए और ये हाइपोथेसिस हम अगेन एक डिडक्टिव तरीके से हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे एक्जियोमेटिकली हम चलेंगे एक प्रोपोजिशन से दूसरी प्रोपोजिशन से तीसरी से एंड फाइनली वी माइट रीच टू रीच हाइपोथेसिस वन और नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। सो वंस वी हैव डेवलप्ड अवर हाइपोथेसिस और फार्मोलेटेड द रिसर्च क्वेश्चन जो कि हमने uh, देखना है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है उसके बाद हमारा छठा जो स्टेप है वो है रिसर्च डिजाइन का और रिसर्च डिजाइन क्या है इट्स सिंपली अ स्ट्रेटजी फॉर द कलेक्शन एंड द एनाइजिंग एनालिसिस ऑफ द डेटा आप ये कह लीजिए कि इट्स इज मोर लाइक अ मास्टर प्लान फॉर द कलेक्शन एंड एनालाइजिंग द डेटा प्लान की जब बात कर रहे हैं या स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने रिसर्च करनी है उसके सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेसन क्या हो सकते हैं उन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेसन को हम स्पेसिफाई करेंगे इस स्पेसिफिकेशन के लिए हमें जैसे मैंने कहा कि हमारा जो बिग रिसोर्स है ये रेजरवायर ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वहाँ से हमें हेल्प मिलेगी कि हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ uh, कर सकते हैं और व्हाट आर विच कुड बी अवेलेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेस्ट दिस नंबर ऑफ हाइपोथेसिस और टू यूज दो फॉर फाइंडिंग एन आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चंस तो इसमें रिसर्च डिजाइन में हम क्या करेंगे वी विल स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन दू बी यूज इन दिस स्टडी टेक्निक टू बी यूज मीन्स के हम ये सोर्स तो हमें नजर आ रहा है कि लट से हमने डिसाइड किया कि फला पॉपुलेशन से या फला जगह से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास तरीकार क्या होगा टेक्निक क्या होगी तो टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती है हमने ये चूज़ करना है कि हमारे इस रिसर्च के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए विच टेक्निक द मोस्ट एप्रोप्रिएट। वो टेक्निक एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम बिहेवियरल साइंसेस में आ, कोई छः के करीब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं

इन में हम सर्वेस की बात कर रहे हैं इनमें दूसरी एक तकनीक एक्सपेरिमेंट की हो सकती है तीसरी एक ऑब्जर्वेशन की है चौथी एक कम्युनिकेशन एनालिसिस की हो सकती है पाँचवीं एक केस स्टडी की हो सकती है छठी एक फोकस ग्रुप डिस्कशन की हो सकती है अगरचे इसमें ये जो मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात की या स्पेशल इंफॉर्मेंट की बात की जिसको कुछ किताबों में आप केस स्टडी की बात करते हैं दीज कैन बी यूज एज पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर दीज कुड ऑल्सो बी यूज एज इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्शन तो ये छः टेक्निक्स के अलावा हम फिर एक सेकेंडरी डेटा एनालिसिस की बात भी कर सकते हैं आपको याद होगा सेकेंडरी डेटा मैंने बताया वो डेटा जो कि आप अपनी रिसर्च के लिए डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि वो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है और वो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया वो पर्पस उन्होंने सॉल्व किया या उस पर्पस को उन्होंने मीट किया लेकिन डेटा जो है दैट्स अवेलेबल मे बी ऑन द कंप्यूटर एंड मे बी यू कुड बारो दैट डेटा एंड डू रिसर्च एज ए स्टूडेंट For purposes of your thesis writing, or for the organization, uh, just possible organization may have the data. They may have collected it for some other purpose, but could also be used for finding an answer to a research question, which perhaps uh, uh, you have formulated uh, as part of a solution to the management issue which they may have raised to you. तो ये जो छः मैंने टेक्निक्स की बात की इनको अब हम एक एक करके देखेंगे हमें ये डिटरमिन करना है कि हमारा जो है रिसर्च का मेथड या टेक्निक वो कौन सी हम यूज करेंगे और वो बेसिकली बेस करता है ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी रिसर्च डेटा के सोर्सेज क्या हो सकते हैं और इसी तरह अर्जेंसी ऑफ दी डिसीजन की बात हो सकती है हाउ क्विकली दी दी ऑर्गेनाइजेशन वांट एन आंसर टू दैट इशू उसके ऊपर डिसीजन कितनी जल्दी लेना चाहते हैं मींस के क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम है कि वो एक रिसर्च को स्पॉन्स करें और उसका उसके लिए टाइम uh, दें और वो जब तक uh, वो फाइंडिंग्स नहीं आती रेकमेंडेशन नहीं आती

किस किस्म का है दैट विल डिटर्मन के हमें क्या करना है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मैथ वन बाय वन पहला मैथड एक जो हम बिहेवरल uh, साइंस में आम तौर पर देखते हैं सर्वेज का है जब हम सर्वे की बात करते हैं तो इमीडिएटली जहन में एक सैम्पल सर्वे की बात आती है कि वो सर्वे जो है हम लोग एज रिसर्चर्स कि बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा सबसेट लेकर उसको हम स्टडी करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ प्राइमरी डेटा तो वो जो सैंपल हम लेते हैं या सबसेट पॉपुलेशन का हम लेते हैं तो उसमें बिहेवियरल साइंसेस के जो रिसर्चर है उसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन है मोस्ट ऑफ द केसिस दिस इज अवस्र अब खासतौर पर जब सर्वे की बात कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन ही है अगरचे क्वेश्चन और इंटरव्यू शेड्यूल में डिस्टिंगशन uh, किया जाता है और हम करेंगे लेटर ऑन बट इस वक्त मैं क्वेस्चनियर को uh, इसी सेंस में यूज कर रहा हूँ कि इट इज सिंपली लिस्ट ऑफ क्वेस्ट विच द रिसर्चर हैज

स्टडी करना चाहते हैं तो दिस इज सर्वे इज मोर लाइक ऑफ पीपल यूजिंग क्वेस्र फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि हमारे पास जो टूल है वो क्वेश्चन ही है दैट्स वेरी इसेंशियल मैंने जैसे कहा इट इज सिंपली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस हम बनाते हैं जैसे मैंने कहा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं आइडेंटिफाई किए हुए उनको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं और जैसे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट तो उनको जैसे याद होगा आपको कि हम उनको डिफरेंट डायमेंशनस में डायमेंशन से हम उनको देखते हैं डायमेंशन में हम उसको सप्लेट कर सकते हैं या डायमेंशंस को फिर हम वी कैन ब्रेक देम डाउन इनटू द एलिमेंट्स और हर एलिमेंट पे हम फिर सवाल बनाते हैं तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारा आ, जो रिसर्चर है उसके पास फॉर कंडक्टिंग सर्वेस फॉर पर्पज ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस तो इस क्वेश्चनर के साथ या इस लिस्ट ऑफ क्वेस्स के साथ जो रिसर्चर है ही ट्राइज़ टू कांटेक्ट दी रिस्पोंडेंस रिस्पोंडेंस मुराद है कि वो लोग जो हमारे सवालों का जवाब देंगे या जिनको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेसन ये लोग हैं जिनको हम रिस्पॉन्डेंट्स कहते हैं इनको सब्जेक्ट्स भी कहते हैं इन रिस्पोंडेंट को हम इन्हें फेस टू फेस सिचुएशन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मीनस कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्डेंट इन पर्सन या हम आ, किसी और तरीके से भी इनसे रहा कर सकते हैं वो तरीका टेलीफोन भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे रेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके पास टेलीफोन फैसिलिटी है कि नहीं है ऑब्वियसली उनके पास अगर ये फैसिलिटी होगी तो ही हम ये टेलीफोन का तरीका सिलेक्ट करेंगे या वो लोग उनको हम सवालनामा जो है आ, मेल के जरिए भेज सकते हैं मेल मीनस डाखाना के जरिए भेज सकते हैं ताकि वो उस सवालनामे को पढ़ कर हमें जवाब दे सकें ओबियसली जब हम ये कह रहे हैं पढ़ कर जवाब दे सकें तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो सर्टनली एजुकेटेड पॉपुलेशन है और वो एजुकेटेड भी अप टू ए सर्टन लेवल कि हमारा सवालनामा पढ़ कर वो हमें जवाब दे सकें इसी तरह आजकल के ज़माने में इंटरनेट के जरिए भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन जब ये हम हम कंडीशंस लगा रहे हैं तो ऑबियसली हमारा जो टॉपिक होगा वो स्पेशली विल बी एप्लीकेबल टू दो पीपल हु हैव दिस कैंड ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक द इंटरनेट फैसिलिटी लाइक द टेलीफोन और फिर इसी तरह जैसे मैंने मेल की बात की है थ्रू मेल तो वो लोग पढ़े लिखे होंगे हम सवालनामा मेल से भी भेज सकते हैं कभी एक स्पेशल गैदरिंग है जैसे क्लास रूम है क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर हम स्टूडेंट्स पे कुछ स्टडी कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हम उन स्टूडेंट को इन फेस टू फेस सिचुएशन हम अपना सवालनामा डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे इन्फॉर्मेशन क्लेक्ट कर लें तो ये जो तरीक़ा है कि हम हम अपने रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे इन पर्सन या बाय टेलीफोन या मेल या थ्रू इंटरनेट ये टेक्निक्स ज़रूर हैं लेकिन हर टेक्निक के अपने अपने अंदाज़ हैं और उन अंदाज से मेरी मुराद ये है कि उनके फायदे हैं और उनके नुकसानात हैं तो इस तरह से हम देखते हैं तो इन uh, टेक्निक्स को यूज़ करने से पहले हमें अगेन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखना होगा और वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं हमारे कॉस्ट के हवाले से हम देखेंगे हमारी क्वालिटी ऑफ डेटा के हवाले से हम देखेंगे और इसी तरह से हम अपने टाइम फैक्टर को देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है हम आ, उसके हिसाब से वो जो है टेक्निक यूज़ करेंगे और या ये भी हो सकता है कि हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं कितने जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हमें पर्सनली वहाँ जाना होगा या डाक के जरिए जाना होगा डाक के जरिए जाब भेजा जा सकता है नहीं भेजा जा सकता है दोनों के फ़ायदे नुकसान आते हैं और उसके बेसिस पे हम चूज़ करेंगे कि विच ऑफ दिस इज मोर सूटेबल मोर एफिशेंट और आल्सो कि उस टेक्निक के साथ हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगी बिकॉज़ अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन तो इस तरह से हम ये जो है सर्वे की बात करते हैं दूसरा मैंने कहा हमारी टेक्निक है जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं एक्सपेरिमेंट आम तौर पर एसोसिएट लोग करते हैं कि जैसे हम एक लेबॉरेटरी में कंट्रोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन में आ, हम काम कर रहे हैं ये बात ठीक है आ, हमारे जहन में यही आता है कि मे बी इट्स मोर लाइक ए कंट्रोल्ड सिचुएशन इन अ रूम और इन ए लेबॉरट्री बट सर्टनली मैं ये नहीं कह सकता ये नहीं कहता कि हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते लेकिन उसके अपने एडवांटेज डिसएडवानटेज हैं वो हम आगे चल फिर कभी डिस्कस करेंगे बट सर्टनली एक्सपेरिमेंट एक ऐसा तरीकार है हमारी रिसर्च का जिसमें कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटर्मन कर सकते हैं जो वेरिएबल्स हम समझ रहे हैं कि दीज आर रिलेटेड तो सर्वे में इन मोस्ट ऑफ द केसेज वी लुक फॉर को रिलेशन एक्सपेरिमेंट में इफ वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट तो दिस इज प्रॉबली द मोस्ट

एक वेरिएबल नहीं उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं विच कैन हैव एन इफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल का ज्यादा इफेक्ट हो सकता है दूसरे का उससे ज्यादा हो सकता है तीसरे का उससे ज्यादा हो सकता है और अगर दो वेरिएबल हम इकट्ठे करके देखें तो हो सकता है उनका उनके इंडिविजअल इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्ट हो तो चूंकि ये कंट्रोल सिचुएशन है तो कंट्रोल सिचुएशन में रिसर्चर के पास ये एक फैसिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है और आपको याद होगा कि हमने इसको कई नामों से पहले इसकी तरफ इशारा किया था इट कुड बी कॉल्ड ए स्टिमुलेंट इट कु ट्रीटमेंट तो ये जो ट्रीटमेंट है उसका फिर हम इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्सपेरिमेंट में चूंकि एक्सटेनियस फैक्टर्स जो हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं या अदर कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो हैं उनको हमने कंट्रोल किया है और उनको कंट्रोल करने के बाद सिर्फ एक वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं और फिर उसका हम इफेक्ट देख सकते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल लेटर सी के ऑर्गेनाइजेशन में हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स जो है इज इट अफेक्टेड बाई द बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट uh, सेटअप uh, कर सकते हैं वी माइट बी एबल टू सेलेक्ट नंबर ऑफ़ ऑफ्स वर्कर्स इन दर्गनाइजेशन उनको सेपरेट कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पहले देखी जा सकती है फिर उनको कोई इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं ये रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं वो देने के साथ फिर देखते हैं कि क्या इन रिवार्ड्स का इन इंसेंटिव्स का उनकी प्रोडक्टिविटी कोई प्रोडक्टिविटी पर क्या कोई उसका असर पड़ता है तो इस तरह से हम मुख्तलिफक्टर्स को आइसोलेट कर सकते हैं और जब हम उनको आइसोलेट करते हैं तो फिर हम हर फैक्टर का इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल देख सकते हैं एक्यूमुलेटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल भी देख सकते हैं एंड दैट इज पॉसिबल ओनली अंडर कंट्रोल्ड लेबॉरेटरी काइंड ऑफ सिचुएशंस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में हमारी लिमिटेशन हैं क्योंकि वहाँ uh, हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करें इसलिए वो ज़रा आइसोलेशन ऑफ द फैक्टर्स मुश्किल हो जाता है या कॉज एंड इफेक्ट को डिटरमिन करना उस तरह से मुश्किल है जिस तरह से हम एक लेबॉरटरी की सिचुएशन में कर सकते हैं क्योंकि उसके बेसिस पे हम जनरलाइजेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे विच माइट है नेगेटिव इफेक्ट और जो उसकी विलिडिटी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से ये दूसरी जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और ये दोनों ही टेक्निक जो हैं सर्वे टेक्निक जो है या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है दोनों ही क्वांटिटेटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करती हैं और क्वांटिटेटिव किस्म की ये स्टडी कहलाएगी मोस्टली बींग फॉलोड बाई द पॉजिटिव काइंड ऑफ पीपल इसके बाद हमारी तीसरी जो टेक्निक ऑफ़ डेटा कलेक्शन है वो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन के हवाले से अगर बात करें तो ये दो किस्म की हो सकती है ऑब्जर्वेशन एक नॉन पार्टिसिपेंट है एक पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट से मुराद ये है कि वो सब्जेक्ट्स या वो लोग या वो कम्यूनिटी जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं Uh, क्या उनको पता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है पॉसिबिलिटी है कि हम दूर कहीं बैठे उस कम्युनिटी के बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हैं कि कस्टमर्स आर शॉपिंग और उनके बिहेवियर को कहीं कोई बैठा बंदा मॉनिटर कर रहा है क्लोज सर्किट टेलीविजन पर मोनिटर कर रहा है या बहुत बड़ा एक मिररर कहीं लगा हुआ वहाँ से कोई देख रहा है और कस्टमर्स को नहीं पता कि उनका बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है डेट्स ए नॉन पार्टिसिपेंट ऑल्सो इट्स द ऑब्जर्वेशन इज़ नाट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ऑफ द पीपल इसी तरह कोई और हो सकता है कि हमने किसी को नहर के किनारे बिठाया या किसी पेट्रोल पंप के बाहर कहीं बिठाया और वो वहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं इलाट से फ्यूल लेने के लिए वो किस किस्म की गाड़ियाँ आती हैं कितनी आती हैं किस मॉडल की आ रही हैं ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर का क्या गोल है उन सिर्फ गाड़ियों की काउंटिंग कर रहा है या उस काउंटिंग के साथ गाड़िया गाड़ियों का मेक देख रहा है या उनका मॉडल देख रहा है या उनके उन अंदर कितने पैसेंजर्स बैठे हैं वो देख रहा है या वट एवर इज द रोल ऑफ दर्सन इज मेकिंग ऑब्जर्वेशन दैट रोल हैज बीन डिटर्मन बाई द रिसर्चर ये नॉन पार्टिसिपेंट है यानी जिन लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको नहीं पता कि दैट दे आर बींग सो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ऑफ पीपल इसी तरह से जो दूसरी है ऑब्जर्वेशन की किस्म वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है Now, participant observation may, jo researcher hai, he tries to participate in the activities of the community. In most of the cases, he lives with the, with the community. Now, man in of first community ka bola, that community could be a people living in a particular locality. That community can be of the, let us say drug addicts. That community could be that of the beggars.

स्टडी कर रहा है ये ये इस किस्म की स्टडी के हम डिटेल्स बाद में देखेंगे यहाँ सिर्फ इतना ही है कि ये ऑब्जर्वर जो है माइट लिव विद द पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट पीरियड ऑफ टाइम आइट स्ट्रेच टू वीक्स एंड मंथस और uh, फिर वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से इकट्ठी करता है उनसे इंटरव्यू भी करता है उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेता है उनकी लैंग्वेज को सीखता से, है और फाइनली ही ट्राइज टू राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस इज़ क्वालिटेटिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और इस किस्म की स्टडी में आम तौर पर ये हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती इज़ मोर ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ स्टडी तो इसमें इसके बाद जो हम देखते हैं एक और टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन में भी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन एनालिसिस अब कम्युनिकेशन जो है हम आपस में बातें कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग समथिंग माइट भी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन वी माइट पी शेयरिंग नॉलेज अब कम्युनिकेशन जो है वो कई तरीकों से हो सकता है कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी हो सकता है इस कम्युनिकेशन के हवाले से देखें तो हम एक्चुअली जो टेक्स्ट है उसका एनालिसिस करते हैं व्हाट डज इट कंटेन अब टेक्स्ट uh, जो है वो रिटर्न टेक्स्ट हो सकती है आप टेक्स्ट को आप uh, एक तस्वीर भी हो सकती है कि आप तस्वीर का एक अनालिस कर रहे हैं uh, अगर देखें तो प्रिंट मटेरियल भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल हो सकता है पेंटिंग्स uh, हो सकती हैं लोगों की डायरीज हो सकती हैं खतूत हो सकते हैं स्पीचेस हो सकती हैं ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस एंगल से देखते हैं तो इस कम्युनिकेशन को एक तरह से हम ये देखते हैं कि जो कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है उसके कंटेंट्स क्या हैं कंटेंट मींस के

आप देखते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग मार्केट कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स और उसमें हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं अखबार है तो अखबार में इश्हार दिया जा रहा है उसमें भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लुक एट द एडवर्टीजमेंट जो कि मैट्रीमोनियल एडवर्टीजमेंट्स हैं प्रॉस्पेक्टिव बॉयज एंड गर्ल्स जिसके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं अब उसमें देखिए क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है एज उसकी प्रॉस्पेक्टिव uh, की है उसकी कोई क्वालिफिकेशन की बात हो रही है उसकी हाइट की बात हो रही है उसकी कलर की बात हो रही है कंप्लेक्शन की बात है फीचर्स की बात हो रही है कोई रिलिजन की बात हो रही है एंड देन मे बी सम अदर काइंड ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स विच आर बीइंग गिवन इन दोज एडवर्टीजमेंट तो इस तरह से एक पेरेंट uh, जो है वो अपने बच्चे को खत लिख रहा है तो

कि ये बुक्स हो सकती हैं न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं स्पीचेस हो सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं फोटोग्राफ्स हैं फिल्म्स हैं आर्टिकल्स हैं और वर्क्स ऑफ आर्ट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह से एक और इसी में टेक्निक है जिसको हम केस स्टडी कहते हैं केस स्टडी इज मोर लाइक ए स्टडी इन रिट्रोस्पेक्ट और हम डिटेल से किसी एक शख्स की या एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक कपल की हम स्टडी कर रहे हैं दैट्स इन डेप्थ अनालस के उसमें क्या चीज़ें हैं विच हैव बीन अफेक्टिंग द प्रेजेंट सिचुएशन वो ट्रेस करते हैं बैक इन इनटू द पास एंड ट्राई टू फाइंड आउट सो देयर कुड बी मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट तो इस तरह से यह केस स्टडी हो सकती है केस स्टडी के बाद एक फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात मैंने की तो इस तरह से ये बहुत सारे जो हैं स्टेप्स हैं या बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा विच आर पार्ट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन जो कि हमारा एक स्टेप है इन द रिसर्च प्रोसेस तो हम इस टॉपिक को पूरी तरह नहीं कवर कर सके हमारे बहुत सारे स्टेप्स अभी रहते हैं वो स्टेप्स फिर हम अगले सेशन में कवर करेंगे यहाँ की आज हम यहीं तक करते हैं बाकी जो स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच